बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं थोड़ा मेज़बान आसिफ अली अज थोड़े वास्ते वीडियो लैके हाजिर हाँ। मैसी फरगोसन 385 तो थानू अज चैक कराने हैं कि इनकी ड्राइव किवें होंदी है, इनके गेयर किवें लगते ने, इनके अगे गेयर किन्ने लगते ने, तो पिछे गेयर किन्ने लगते ने, तो इन स्टार्ट करन दा की तरीका है, तो आओ थानू हम चैक कराने हैं। जिमें कि हुण तुसीं वेख रहे जे इस टाइम बिल्कुल ट्रैक्टर बंद खड़ा है, चाबियां दे विच लगी हुई, पहले चाबी नूं आपां ऐसो चला दिता, डैशबोर्ड ते करंट आ गया है। तुसीं वेख रहे जे कि जनरेटर का भी ते मोबाइल एल का भी मीटर चल पिया है, लाइट चल पई है, ते ए टेंपरेचर ते ए हाई स्पीड डीजल का मीटर है, यह बैटरी का है, यह भी चल पैन। हुण इस तों अगे आपां वेखना कि ट्रैक्टर न्यूट्रल खड़ा है, यह तुसीं वेख रहे जी, यह लीवर के उत्ते भी लिखा हुआ जी, यह इंज यह न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल खड़ा है, तो यह हाई लो। अगे तुसीं गेयर नूं करोगे इत्थे, ये सारे गेयर जिहड़े तुसीं एदू लाओगे ये लो लगणगे, इहनू थले कर, सेंटर विच न्यूट्रल है, अगर थले कर देवांगे तो हुण हाई हो गया जी, इह ते हुण तुसीं गेयर जिहड़े गेयर लाओगे ये हाई लगणगे, अगर तुसीं इहनू सेंटर विच कर दोगे न्यूट्रल, तुसीं एदू चाहे जो मर्जी जिवें गेयर लाई जाओ ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ना अगे तो ना पिछे। अगे तुसीं यह हाई लो आ गया, एंदे तों तुसीं गेयर लाने ने, यह सेंटर विच न्यूट्रल है, इंज दाके यह थले लाओगे तो पहला लग गया, जिवें कि उत्ते लिखा हुआ है, अगर तुसीं इंज दाके लीवर नूं उत्ते लाओगे ये बैक लग जाएगा, इंदे नाल ही सेंटर विच यह तीसरा लग गया, फिर थले न्यूट्रल, इंदे नाल इंज लीवर नूं दाके उत्ते ये दूसरा लग गया जी, फिर थले न्यूट्रल, इधर लीवर नूं दक के ते थले लाओगे तो ये गेयर तुसीं वेख रहे जे जिवें उत्ते लिखा गया है, चौथा गेयर लग गया जी। ये तां तुहानूं गेयर समझा दिते गए, यह है हाई लो, एल लो एच हाई, अगर थले लाओगे तो हाई, अगर उत्ते लाओगे तो लो, सारे गेयर लगनगे, इधर तुसीं जिहड़े गेयर लाओगे ओ सारे हाई लो लगे होंदे, तो आपां स्टार्ट करने वास्ते कर लेना न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया, तुसीं वेख लेना अच्छी तरह के न्यूट्रल हो गया। हुण तुसीं ए मैसी दा सिस्टम एवें ही है, फीड दा सिस्टम होर है, सुच दा सुच अगे लगा हुआ है, करंट आ चुका है, हुण तुसीं जिवें चाबी नूं घुमाओगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। लो जी, ट्रैक्टर अपना हो गया स्टार्ट। इस तों अगे तुसीं हुण यह क्लच नपना, क्लच नप के ते पहले यह हाई लो वाले नूं हाई करना है या लो करना है, जिवें कि मैं यह लो ला दिता। हुण इहदे जिहड़ा गेयर लावांगे, चाहे अगले गेयरां विचों लावांगे अगे नूं, चाहे पिछे नूं लावांगे, वह गेयर लो लगेगा, जिवें कि तुसीं यह उत्ते पहला लिखा हुआ है, यह मैं ला दिता जे, ये पहला ला। हुण जिवें टुरांगा आ वेख रहे जे तुसीं, आ लो गेयर है, ट्रैक्टर चल पिया जी, ठीक जी, जिवें कि उदू लो लगा हुआ है, यह तुसीं यह न्यूट्रल हो गया, यह हुण बैक ला, जिवें तुसीं वेख सो ऐसा ऐसा क्लच छड्डना, चल पिया इस तरह ही, उदू बैक लगा खड़ा है, तुसीं अगर हाई कर दोगे तो तेज़ रफ्तार ना पिछे जाएगा। ठीक जी, अगर
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੋਏ ਗੇਅਰ ਹਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੀਵਰ ਕੋਲ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਸੀ ਫਰਗੋਸਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਬੰਦ। ਪੀ ਟੀ ਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਲੱਚ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੇਅਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਲੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਕਲੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ ਟੀ ਓ ਸ਼ਾਫਟ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਲੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੀ ਟੀ ਓ ਸ਼ਾਫਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।